हम लोगों का एक्सपीरियंस इस क्लास में बहुत अच्छा गया क्योंकि हम नेचर को बहुत पास से देख रहे थे। अभी तक तो हमने बायोलॉजी को बहुत अलग तरीके से पढ़ा है। हम जब भी बायोलॉजी पढ़ते थे तो हम बायोलॉजी की जो भी थ्योरी पार्ट था उसको सारा पढ़ लेते थे, एग्जाम्स में दे आते थे, पर कभी भी वो ऐसे नहीं था कि रियली समझ नहीं आया कि मतलब अपना जो आसपास की चीज़ें वो काम कैसे करती है, नेचर कैसे काम करती है। हमने सब चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, ऐसे नहीं कि हमने सब कुछ बस देख लिया और ऐसे, हमने उसको बहुत देर तक लगभग 2 आवर्स तक एक ही चीज़ को हमने बैठ के ऑब्जर्व किया, तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पहले जब मैं इस ऑब्जर्वेशन में नहीं था ना, तब जो भी एंट मेरे पैरों में आती मैं इनको मार देता था। जब से विक्रम भैया के साथ 1 महीने हमने इनके साथ वर्क किया, तब अब जब भी एंट दिखती है ना, मैं उन पर पैर नहीं, उनको साइड आ फिर आगे चलता हूँ। जैसे यूजुअली स्कूल्स में होता है कि हम लोग सीधा बुकिश नॉलेज लेते हैं और टेस्ट देते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, तो इस क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हम लोग देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, जो हम लोग नहीं देखते वो भी कई बार सच होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग उन्हें देख नहीं सकते लेकिन वो हैं और हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो अगर वो ना हो तो शायद हम लोग भी नहीं होंगे। तो छोटी से छोटी चीज़ इस लाइफ में मैटर करती है और हमें उसे क्वेश्चन करना आना चाहिए। एक तो चीज़ों को गौर से देखना सीखा, यानी कि कोई भी चीज़ अगर मिले अपने को तो उसको एकदम गौर से देखो कि वो क्या करती है। प्रकृति ने हर चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बनाया। जैसे हमने आंकड़े के ऊपर ऑब्जर्वेशन की तो आंकड़े पर हमने कुल 21 प्रजाति देखी, जो हमें लगता है, पहले हमें ऐसा लगता था कि आंकड़े का पेड़ बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है, हम उसको काट के फेंक देते थे या फिर कुछ भी उसको जला देते थे पेड़ को। लेकिन जब हमने हर चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व किया और आंकड़े के ऊपर हमने जब रिसर्च की, ऑब्जर्वेशन की, तब हमें यह पता चला कि इसके ऊपर 21 तरह की अलग अलग प्रजातियाँ रहती हैं। उनमें जैसे अलग अलग तरह के बीज थे, बर्ड्स थे, अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स थे, काफ़ी सारे स्पाइडर्स भी थे। उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, हमको ऑब्जर्व करने से पहले उसके बारे में एक पूरी जानकारी दी, पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि उस वो होता क्या है, हमको करना क्या है। फिर हमको ये भी छूट दी कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, ये नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया कि सिर्फ यहीं ऑब्जर्व करो, यही करो, यही पेड़ करो। हमारी मर्जी थी, वो सब हम पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम बायोलॉजी को कैसे पढ़ते हैं। ये नहीं कि सिर्फ याद करना, बुक के अंदर थ्योरी लिखी हुई है, वो कोई भी पढ़ के लर्न कर सकता है, लेकिन ऑब्जर्व करना, नेचर को असली ऑब्जर्व करना, वो असली बात होती है। एक ट्री पे देखा था ब्रैकेट फन जाए, अगर मैं बुक्स में पढ़ता तो मुझे वो पक्का याद नहीं रहता, बट मैंने जब सर से पूछा, देखा उसको, और तब मुझे मतलब प्रैक्टिकली जो अपन पढ़ते हैं वो अपन को याद रहता है। बहुत सी चीज़ें नई नई जो हमने किताबों में छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं वो चीज़ें हमने देखी। इस तरह हम फूड चेन पढ़ते थे कि इंसेक्ट्स नेचर के अंदर ही फूड चेन होती है एक, तो हमने देखा कि नेचर ही नेचर के ऊपर डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। कैलोट्रोपिस के मतलब पत्ते भर ना जाए इसलिए उनकी पॉपुलेशन मतलब कंट्रोल में रहे इसलिए वो ग्रास ऊपर इनके पत्ते खाएंगे, और बर्ड्स है ना मतलब इनको ग्रास ऊपर की पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो जाए इसलिए बर्ड्स उन्हें खाएगी।
अभी तक सोचता था इंसेक्ट्स के बारे में, उस सोच को बदला है आपने। जैसे कि पहले अगर मैं चलता था और कीड़े मकोड़े मेरे पास से गुजरते, कुछ भी करते, तो मैं उनको ज़्यादा मतलब कि कोई महत्व नहीं दे पाता था उनको ज़्यादा। मगर अब जब भी मैं उनको देखता हूँ अपने पास में, तो उनको ऑब्जर्व करने का मन करता है, वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो इस क्लास में हमने वाइल्ड लाइफ को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया था। तो जैसे हमें गेम्स मिलता है तो हम बाहर आते हैं, ऐसे ही खेल के जाते हैं, देख लेते हैं फिर ये पौधे ऐसे हैं, ये वैसे हैं। पर आज इस टाइम इस वीक में हमने मतलब बहुत ही अच्छे से चीज़ों को देखा था, मतलब एक अच्छा सा फीलिंग आई थी कि वाइल्ड लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है।